अरे मोहल्ले वाले तो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम किसी चिड़ियाघर से आए। देख तो बेकार काम भी कर रही है, क्या खराब काम हो रहा है ऊपर से काम भी कर रही है, ऊपर से अपने काले करतूतों का प्रचार भी कर रही है। दादी का फोन बजा, कौशल्या पांडे बोल रहे हैं। अरे हाँ कौशल्या, हमें याद है शाम को 7 बजे सत्संग है ना, हम पहुंच जाएंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ असल में माँ जी, हम कहना चाहते हैं कि आप कृपया आज के सत्संग के लिए मत आइए। क्यों? अब आपकी पोती बहू के नए बिजनेस के बारे में तो सबको पता चल ही चुका है, और क्या है मोहल्ले वाली औरतें कह रही कि अगर आपके परिवार से कोई सत्संग में आया तो कोई नहीं आएगा। लेकिन कौशल्य बहन आप समझ गए ना साधना दीदी, अपनी बहू को इतनी छूट देने के नतीजा हमें माफ कीजिएगा। अरे लेकिन हमको अरे पैसे पास में होना, अगर चले जाए ना तो लौट आते, लेकिन इज्जत इज्जत तो प्राणों के जैसी होती है, एक बार गई तो लौट कर नहीं आती। अरे तुम्हारी बहू ने तो हमें किधर, तुम्हारी बहू ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, समाज में किसी से आग मिलाने लायक नहीं रखा है। अब सोचो लल्ला पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी ऐसे फूल खिला रही है। अरे वो तो उसे धक्के देकर बाहर निकाल देगा। बहू कोई सचमुच में कोई मवाली गोरिया का नाम पूछकर घर में घुस आया तो, कभी बाहर उसका नाम पूछ कर घर का पता ले लिया तो, अरे हम तो जीते जी किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? बदतमीज कहेंगे अच्छी बात क्या होगा ना।